हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आवर चैनल रिजॉइस एजुकेशन। सो स्टूडेंट्स, अब हम लोग पेज नंबर 98 पर आ चुके हैं। पेज नंबर 98 पर कुछ बेसिक कंसेप्ट आप लोगों को सीखने हैं। उन बेसिक कंसेप्ट को सीखने के बाद आप आगे के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। सो देखिए, सबसे पहले हम लोगों को ये जानना ज़रूरी है कि कैपिटल क्या होता है। कैपिटल मतलब वो पैसा होता है जो किसी भी प्रकार के बिजनेस या किसी भी प्रकार के कंपनी को स्टार्ट करने के लिए लगता है। सो कोई एक व्यक्ति इतना बड़ा अमाउंट जो है वो कभी भी नहीं जुटा सकता, और अगर वो जुटा भी सकता है तो भी कोई भी एक व्यक्ति इतना बड़ा कोई भी बड़ा सा अमाउंट, क्योंकि कोई कंपनी खड़ी करने के लिए, कोई बिजनेस खड़ा करने के लिए जो होता है, बड़ा बिजनेस खड़ा करने के लिए हम लोगों को बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं। सो वो जो ज़्यादा पैसे लगते हैं, ये ज़्यादा पैसे हम लोग जो होते हैं, वो बिजनेसमैन जो होते हैं, वो कहाँ से लेते हैं? शेयर्स बेचकर ये पैसे आप जैसे लोगों से, कॉमन लोगों से ये पैसे लेते हैं। जैसे 1 रुपये का शेयर हुआ करते थे पहले, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100। अभी तो शेयर्स की जो प्राइस है वो हज़ारों रुपये में होती है। एक बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। सो ये जो शेयर्स होते हैं, सो द स्मॉल पार्ट इज कॉल्ड एज द शेयर ऑफ द कंपनी, किसी पर्टिकुलर कंपनी का शेयर। सो फॉर एग्ज़ाम्पल, टोटल 1,000 लोगों ने अगर 1,000 का शेयर यहाँ पर क्या किया, परचेस किया, सो हम लोग बोल सकते हैं कि टोटल 10 लाख रुपये कंपनी के पास आ जाएंगे, और किसी एक व्यक्ति का बहुत ज़्यादा नुकसान भी नहीं होगा अगर वो कंपनी डूब जाती है। बिकॉज 1,000 लोगों ने हज़ार रुपए दिए, मतलब अगर कंपनी डूब जाती है तो एक व्यक्ति का सिर्फ 1,000 रुपये का नुकसान होगा। इसीलिए ये शेयर्स का जो सिस्टम है वो स्टार्ट हुआ है, ताकि बहुत सारा पैसा जो है वो इकट्ठा किया जा सके एक बड़ा बिजनेस खड़ा करने के लिए। सो देख सकते हैं स्टूडेंट्स, अभी हम लोग, अ शेयर इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द कैपिटल, जो शेयर होता है वो कैपिटल का सबसे छोटा यूनिट होता है बोला जाता है। जैसे एक एक ईंट को जोड़कर घर बनता है, एक एक सेल को जोड़कर किसी एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी तैयार होती है, उसी तरह से एक एक शेयर को ऐड करके उस कंपनी की शेयर कैपिटल तैयार होती है। द वैल्यू ऑफ शेयर इज़ प्रिंटेड ऑन द शेयर सर्टिफिकेट। जैसे हम लोग बैंक में अगर पैसे हम लोगों ने जमा करवाए हैं, FD करवाई है, या RD अगर हम लोगों ने बैंक में रखी है, सो हम लोगों को बैंक में एक सर्टिफिकेट मिलता है जो हमारे पैसे बैंक के पास होने का सबूत होता है। इसी तरह से कंपनी भी हम लोगों को एक शेयर सर्टिफिकेट देती है, उस कंपनी के पास हमारा उतना पैसा जमा है, सेव है, ये वो कंपनी हम लोगों को एक सर्टिफिकेट के द्वारा बताती है। ठीक है, उसमें डिटेल्स सारे दिए होते हैं, उस सर्टिफिकेट को हम लोग बोलते हैं शेयर सर्टिफिकेट। ठीक है, सो शेयर होल्डर मतलब क्या होता है? अ पर्सन हु ओन्स द शेयर। जिस पर्सन ने उस कंपनी का, किसी पर्टिकुलर कंपनी का शेयर परचेस किया है, तो वो पर्सन जो है वो उस कंपनी का शेयर होल्डर कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट आप लोगों को देखना है, स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसी जगह है जहाँ पे, जिसको हम लोग शेयर मार्केट भी बोलते हैं, आम भाषा में इसको शेयर मार्केट भी बोला जाता है। बहुत सारे लोग हैं आजकल जो शेयर मार्केट में पैसे लगाते हैं। सो इट इज़ अ प्लेस वेयर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स टेक्स प्लेस। यहाँ पे शेयर की खरीदी और बिक्री, जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ऐसे अलग अलग स्टॉक एक्सचेंजेस हमारे कंट्री में अवेलेबल है। उसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट आप लोगों को देखना है, वो है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू मतलब, देखिए स्टूडेंट्स, एक बात आप लोगों को समझ में आनी चाहिए कि शेयर की जो दो तरह की वैल्यूज़ होती है, देखिए फेस वैल्यू और दूसरा यहाँ पर कंसेप्ट, हम लोग दोनों कंसेप्ट को एक साथ सीखने की कोशिश करेंगे। दूसरा कंसेप्ट यहाँ पर है मार्केट वैल्यू। एक वैल्यू होती है फेस वैल्यू और दूसरी वैल्यू होती है मार्केट वैल्यू। मतलब एक पर्टिकुलर शेयर जो होता है, कंपनी ने उसका जो रेट आपके शेयर सर्टिफिकेट पे प्रिंट करवाया है, फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसा हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर कंपनी का एक शेयर, उसकी फेस वैल्यू यानी सर्टिफिकेट, शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर उसकी वैल्यू जो है वो प्रिंटेड वैल्यू रहेगी 1,000 रुपीज़, लेकिन वही शेयर कंपनी की अच्छी रेपुटेशन की वजह से मार्केट में 3,000, 4,000 या कभी कभी 5,000 में भी बिकता है।
सो 1,000 का शेयर मार्केट में 5,000 में बिकता है, सो ये जो 5,000 हो गई, 5,000 उसकी मार्केट वैल्यू हो गई। सो देखिए फेस वैल्यू क्या होती है, द वैल्यू प्रिंटेड ऑन द शेयर सर्टिफिकेट इज कॉल्ड द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर, इट इज़ कॉल्ड द नॉमिनल वैल्यू और प्रिंटेड वैल्यू। इसको हम लोग नॉमिनल वैल्यू या प्रिंटेड वैल्यू भी या पार वैल्यू भी बोलते हैं। उसके बाद मार्केट वैल्यू क्या होती है, द प्राइस एट विच द शेयर्स आर सोल्ड, जितने दाम पर जितनी कीमत पर कोई पर्टिकुलर अमाउंट का शेयर मार्केट में बिक्री होता है, मार्केट में सेल किया जाता है या परचेस किया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं उस पर्टिकुलर शेयर की मार्केट वैल्यू। कभी कभी ऐसा होता है 1,000 रुपये का शेयर मार्केट में भी 1,000 में ही बिकेगा, कभी कभी 1,000 का शेयर मार्केट में 900 में बिकता है अगर कंपनी की रेपुटेशन अच्छी नहीं है या कंपनी लॉसेस में चल रही है, तो 1,000 का शेयर कभी कभी 900 में भी बेचना पड़ता है। उसके बाद कभी कभी कंपनी का शेयर 1,000 का शेयर 2,000 में 1,500 रुपये में बिकता है, सो उसको हम लोग बोलते हैं प्रीमियम में शेयर का सेल होना। इस तरह से शेयर की फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू जो होती है वो कभी कभी सेम भी हो सकती है और कभी कभी डिफरेंट भी हो सकती है। नाउ स्टूडेंट्स, वी आर ऑन पेज नंबर 99 ऑफ द टेक्स्टबुक। टेक्स्टबुक पेज नंबर 99 पे हम लोगों को एक न्यू कंसेप्ट पढ़ना है जिसका नाम है डिविडेंड। सो स्टूडेंट्स, डिविडेंड मतलब क्या होता है? तो देखिए, मैंने आपको बताया कि कोई पर्टिकुलर व्यक्ति जब किसी कंपनी में कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करता है, सो हम लोग बोल सकते हैं कि उस कंपनी का शेयर उसने परचेस किया है। तो स्टूडेंट्स, कोई भी कंपनी का शेयर क्यों परचेस करेगा, क्यों अपने पैसे कंपनी को देगा? जैसे बैंक में हम लोग पैसे रखते हैं तो बैंक हम लोगों को इंटरेस्ट देता है, बैंक क्या देता है, हमको इंटरेस्ट देता है, ब्याज देता है। उसी तरह से किसी भी पर्टिकुलर कंपनी का जब हम लोग शेयर परचेस करते हैं, सो हम लोगों को कंपनी एक एनुअल बेसिस पे प्रॉफिट का छोटा सा हिस्सा देती है, उसको हम लोग बोलते हैं डिविडेंड, उसको बोला जाता है डिविडेंड ऑफ द कंपनी। सो द पार्ट ऑफ एनुअल प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी विच इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड पर शेयर अमॉन्ग शेयर होल्डर्स इज कॉल्ड एज द डिविडेंड। डिविडेंड मतलब कंपनी के द्वारा शेयर किया गया हुआ प्रॉफिट। सो जो शेयर होल्डर कंपनी के शेयर्स परचेस करता है, जितने भी शेयर्स परचेस करता है, उतने शेयर्स के हिसाब से गवर्नमेंट या सॉरी उतने शेयर्स के हिसाब से कंपनीज जो होती है उस पर्टिकुलर शेयर होल्डर को डिविडेंड प्रोवाइड करती है। सो एज अ रिजल्ट कंपनी गिव्स गुड डिविडेंड फॉर द शेयर होल्डर, द डिविडेंड इनकम इज टैक्स फ्री, और डिविडेंड इनकम जो होता है उसके ऊपर सरकार टैक्स भी नहीं लगाती है। सो ऑन पेज नंबर 99 वी हैव स्टडीड द कंसेप्ट ऑफ डिविडेंड। जिस तरह से बैंक में पैसे रखने से हमको इंटरेस्ट मिलता है, उसी तरह से कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करने से, कंपनी के शेयर्स परचेस करने से हम लोगों को डिविडेंड मिलता है। तो डिविडेंड एक तरह का इनकम होता है स्टूडेंट, जो शेयर होल्डर को मिलता है हर साल। हेलो डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी आर ऑन पेज नंबर 100। सो ऑन पेज नंबर 100 वी हैव टू सी द कंपैरिजन ऑफ फेस वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू। सो देखिए स्टूडेंट्स, कभी कभी फेस वैल्यू सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं, मार्केट वैल्यू जब ज़्यादा होती है, मतलब फेस वैल्यू से ज़्यादा मार्केट वैल्यू जब बड़ी होती है, देन द शेयर इज़ एट प्रीमियम। तो हम बोल सकते हैं कि जो शेयर है वो प्रीमियम पे बेचा जा रहा है या प्रीमियम पे खरीदा जा रहा है, सेल परचेज जो है वो प्रीमियम पे हो रहा है। कभी कभी ऐसा हो सकता है मार्केट वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों भी सेम हो, अगर शेयर सर्टिफिकेट पे शेयर की वैल्यू 1,000 रुपये दी है और मार्केट में भी वो शेयर 1,000 रुपये में बिक रहा है, सो हम लोग बोल सकते हैं कि द शेयर इज़ एट पार, शेयर जो है वो पार में ही है। एंड थर्ड नंबर का जो है क्राइटेरिया, दैट इज़ इफ़ मार्केट वैल्यू इज़ लेस दैन द फेस वैल्यू, मतलब पर्टिकुलर किसी शेयर की वैल्यू 1,000 रुपये है फेस वैल्यू, लेकिन मार्केट में कंपनी की इमेज जो है वो थोड़ी सी ख़राब होने की वजह से शेयर जो है वो मार्केट में उनकी प्राइस जो है वो कम हो चुकी है। सो ऐसे शेयर्स को हम लोग बोल सकते हैं कि द शेयर इज़ एट डिस्काउंट। कभी कभी हम लोगों को शेयर जो है वो डिस्काउंट पे भी सेल करना पड़ता है, इसीलिए यहाँ पे तीन अलग अलग तरह के कंपैरिजन आप लोगों को यहाँ पर देखने मिल रहे हैं। पेज नंबर 100, लेट अस सी व्हाट इज़ मीन बाय सम इन्वेस्टेड। सो सम इन्वेस्टेड इज़ द टोटल अमाउंट रिक्वायर्ड टू परचेज द शेयर्स इज़ सम इन्वेस्टेड।
मतलब जितने पैसे हम लोगों ने शेयर्स खरी मतलब परचेस करने में कंपनी में लगा दिए, उस पैसे को हम लोग बोलते हैं सम इन्वेस्टेड, मतलब जितने पैसे हम लोगों ने कंपनी को दिए हैं और उतने हम लोगों को कंपनी देती है शेयर्स। सो सम इन्वेस्टेड इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय मार्केट वैल्यू। तो सम इन्वेस्टेड का ये फॉर्मूला हम लोगों को हमेशा याद रखना है स्टूडेंट्स। सो यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल, यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग, इफ 50 शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू ₹100 ईच आर परचेस फॉर मार्केट वैल्यू 120। अब देखिए यहाँ पर फेस वैल्यू थी ₹100, मतलब शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर शेयर की वैल्यू मेंशन की थी ₹100, लेकिन मार्केट में कंपनी की थोड़ी अच्छी रेपुटेशन होगी और गुड रेपुटेशन की वजह से मार्केट में वो शेयर बिक रहा है ₹120 में। फाइंड द सम इन्वेस्टेड, तो सम इन्वेस्टेड यहाँ पर फाइंड करना है। सम इन्वेस्टेड का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, सम इन्वेस्टेड इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय मार्केट वैल्यू। सो नंबर ऑफ शेयर्स, कितने शेयर्स है 50, मल्टीप्लाइड बाय मार्केट वैल्यू कितनी है उसकी 120। सो सम इन्वेस्टेड जो है वो रहेगा ₹6,000। इस तरह से यहाँ पर सम इन्वेस्टेड का कंसेप्ट आप लोगों को समझ आ गया होगा स्टूडेंट्स। हम लोगों को समझना है रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न मतलब क्या होता है, रिटर्न मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, कोई भी कंपनी में पैसे अगर शेयर होल्डर लगाते हैं सो वो उस कंपनी में पैसे इसलिए लगाते हैं ताकि उनको रिटर्न में कुछ मिले, बदले में कुछ मिले। सो जो रेट ऑफ रिटर्न होता है वो हमेशा परसेंटेज में कंसिडर किया जाता है। सो यहाँ पर देखिए, इट इज़ कंसिडर्ड इन परसेंटेज ऑलवेज। सो रेट ऑफ रिटर्न को किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल्स टू डिविडेंड इनकम डिवाइडेड बाय सम इन्वेस्टेड। डिविडेंड इनकम डिवाइडेड बाय सम इन्वेस्टेड मल्टीप्लाइड बाय 100, मतलब डिविडेंड कितना मिला, उसके बाद हमने पैसे कितने इन्वेस्ट किए थे और उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो हमारा रेट ऑफ रिटर्न जो है वो परसेंटेज में निकल आएगा। इस तरह से हम लोग रेट ऑफ रिटर्न को कैलकुलेट करते हैं। सो लेट्स सी प्रैक्टिस सेट 4.3। अब हम लोगों को देखना है स्टूडेंट्स पेज नंबर 102। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल बाय राइटिंग सूटेबल नंबर्स एंड वर्ड्स। सो हम लोग यहाँ पर इस टेबल को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। देखिए फेस वैल्यू हमारी दी है 100, शेयर अगर पार पे है इसका मतलब ये है कि मार्केट वैल्यू भी ₹100 ही रहेगी, मार्केट वैल्यू भी सेम रहेगी। उसके बाद फेस वैल्यू जो है वो यहाँ पर अगर ₹75 होती है, फेस वैल्यू अगर ₹75 होती है इस किसी पर्टिकुलर शेयर की, उसको प्रीमियम मिल रहा है 500, सो मार्केट वैल्यू हो जाएगी 575। ₹10 का फेस वैल्यू है शेयर का, शेयर की ओरिजिनल वैल्यू है ₹10, लेकिन मार्केट में वो शेयर सिर्फ ₹5 में बिक रहा है, मतलब इसमें कंपनी की किसी तरह की बैड रेप्यूटेशन की वजह से जो मार्केट में शेयर के दाम जो है वो गिर चुके हैं। सो इसलिए हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि जो शेयर है दैट इज़ एट डिस्काउंट, द शेयर इज़ एट अ डिस्काउंट, वी कैन से दिस। इस तरह से प्रैक्टिस सेट 4.3 क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। लेट्स फाइंड आउट द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। सो मिस्टर अमोल परचेस 50 शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू ₹100 व्हेन द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर वॉज ₹80। मतलब यहाँ पे बोला है कि मार्केट वैल्यू जो था ₹80 था, उस टाइम पे 50 शेयर्स मिस्टर अमोल ने परचेस किए हैं। कंपनी हैड गिवन 20% डिस्काउंट, फाइंड द रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। हम लोगों को रेट ऑफ रिटर्न फाइंड आउट करना है। सो लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। प्रैक्टिस सेट 4.3 क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हम लोग देख रहे हैं स्टूडेंट्स। सो यहाँ पे देखिए मार्केट वैल्यू जो है वो शेयर की एक शेयर की मार्केट वैल्यू है ₹80। इसका मतलब हमारा सम इन्वेस्टेड जो है, हमने एक शेयर परचेस करने के लिए हमने कितने ₹80 खर्च किए हैं। सो देखिए हमको रेट ऑफ रिटर्न फाइंड आउट करना है। रेट ऑफ रिटर्न जो है वो हम लोग यहाँ पर ₹80 हमने सम इन्वेस्टर मतलब ₹80 का शेयर एक शेयर परचेस किया है, तो हम ₹80 लिखेंगे सम इन्वेस्टेड में। उसके बाद डिविडेंड इनकम, डिविडेंड इनकम जो देखिए हम कंपनी ने हम लोगों को 20% डिविडेंड दिया है,
सो 20% डिविडेंड मतलब जो डिविडेंड कैलकुलेट करेंगे, डिविडेंड जो होता है हमेशा स्टूडेंट्स हम लोग फेस वैल्यू पे कैलकुलेट करते हैं, डिविडेंड हमेशा फेस वैल्यू पे कैलकुलेट किया जाता है। सो यहाँ पे देखिए फेस वैल्यू, एक शेयर की फेस वैल्यू कितनी है रुपीज़ 100, सो डिविडेंड 20% ऑफ 100 विल बी रुपीज़ 20, सो डिविडेंड इनकम जो है वो है रुपीज़ 20 एक शेयर का। यहाँ पर हम लोग देखिए हम लोगों को रेट ऑफ़ रिटर्न फाइंड आउट करना है, रेट ऑफ़ रिटर्न फाइंड आउट करने के लिए कितने शेयर्स परचेस किए ये जानना ज़रूरी नहीं है, हम लोग एक शेयर की फेस वैल्यू, मार्केट वैल्यू और रेट ऑफ़ रिटर्न, डिविडेंड परसेंटेज निकाल कर भी हम लोग रेट ऑफ़ रिटर्न फाइंड आउट कर सकते हैं एक शेयर की वैल्यूज़ के ऊपर से भी। इसीलिए रेट ऑफ़ रिटर्न इज इक्वल्स टू डिविडेंड इनकम कितना 20 रुपीज़ डिविडेंड मिला है एक शेयर के ऊपर, सो 20 डिवाइडेड बाय 80 मल्टीप्लाइड बाय 100 इज इक्वल्स टू 25। सो इसका मतलब ये होता है कि रेट ऑफ़ रिटर्न फॉर मिस्टर अमोल इज़ द रेट ऑफ़ रिटर्न फॉर मिस्टर अमोल इज़ 25%। मतलब मिस्टर अमोल को जो शेयर्स मिस्टर अमोल ने परचेस किए हैं उसके ऊपर 25% रेट ऑफ रिटर्न मिला है। सेट 4.3 क्वेश्चन नंबर 3, जोसेफ परचेज द फॉलोइंग शेयर्स, फाइंड हिज टोटल इन्वेस्टमेंट। अब देखो कंपनी ए में जोसेफ ने 200 शेयर्स खरीदे हैं जिनकी फेस वैल्यू है रुपीज़ 20 और प्रीमियम है 18, सो मार्केट वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 20। उसके बाद कंपनी बी में 45 शेयर्स खरीदे हैं जिसकी मार्केट वैल्यू 500 है। उसके बाद कंपनी सी में एक शेयर परचेस किया है जिसकी मार्केट वैल्यू है रुपीज़ 10,540। सो लेट्स हैव अ लुक एट द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन देखते हैं, इन्वेस्टमेंट ऑफ जोसेफ इज एज फॉलोज। कंपनी ए में 200 शेयर्स जिसकी फेस वैल्यू है रुपीज़ 2, मार्केट वैल्यू है 18, therefore मार्केट वैल्यू इज इक्वल्स टू फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। फेस वैल्यू में जब हम लोग प्रीमियम ऐड कर देंगे सो हमारी मार्केट वैल्यू पता चल जाएगी। सो मार्केट वैल्यू है रुपीज़ 20, कंपनी ए का जो शेयर है एक शेयर की मार्केट वैल्यू है रुपीज़ 20, ऐसे 200 शेयर्स परचेस किए हैं। सो लेट्स फाइंड आउट द इन्वेस्टमेंट इन कंपनी ए। इन्वेस्टमेंट इन कंपनी ए इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय मार्केट वैल्यू। सो नंबर ऑफ शेयर्स आर 200 एंड मार्केट वैल्यू हम लोगों ने अभी पता करी है जो है 20 रुपीज़, सो द आंसर इज रुपीज़ 4,000। इन्वेस्टमेंट इन कंपनी ए जो है वो है 4,000। उसके बाद कंपनी बी 45 शेयर्स परचेस किए हैं एंड मार्केट वैल्यू है 500, सो इन्वेस्टमेंट इन कंपनी बी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय मार्केट वैल्यू। सो नंबर ऑफ शेयर्स है 45 और मार्केट वैल्यू है 500, तो 45 × 500 द आंसर इज 22,500। सो इन्वेस्टमेंट इन कंपनी बी इज 22,500। उसके बाद कंपनी सी एक शेयर परचेस किया है कंपनी सी का जिसकी मार्केट वैल्यू है 10,540। जो मार्केट वैल्यू होती है उसी उतने ही पैसे हम लोगों को देने पड़ते हैं, इसीलिए इन्वेस्टमेंट इन कंपनी सी इज़ रुपीज़ 10,540। सो हम लोगों ने 1, 2 और 3 इसको नंबर्स दे दिए हैं इन्वेस्टमेंट्स को। सो फ्रॉम 1, 2 एंड 3 द टोटल इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू रुपीज़ 4,000 प्लस 22,500 प्लस 10,540। सो द टोटल अमाउंट इज, इसका सम होने के बाद टोटल अमाउंट निकल रहा है 37,040। देयरफॉर द टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ मिस्टर जोसेफ इज 37,040। इस सेट 4.3 क्वेश्चन नंबर 4, श्रीमती देशपांडे परचेस शेयर ऑफ फेस वैल्यू रुपीज़ 5। शेयर का फेस वैल्यू जो था वो था रुपीज़ 5 एट अ प्रीमियम ऑफ 20, मतलब प्रीमियम जो था उन्होंने 20 रुपीज़ प्रीमियम दिया। हाउ मेनी शेयर्स विल शी गेट फॉर रुपीज़ 20,000। सो देखिए यहाँ पर हम लोग बहुत इजी ये क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, फेस वैल्यू 5 है, प्रीमियम 20 है, सो मार्केट वैल्यू विल बी फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम दैट इज़ 20 + 5 दैट इज़ 25। सम इन्वेस्टेड इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल्स टू मार्केट वैल्यू। अब देखो सम इन्वेस्टेड, हम लोगों को नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड करने हैं, सो उन्होंने सम कितना इन्वेस्ट किया है इस फॉर्मूला में, देखिए हम लोग वैल्यू पुटअप करेंगे। सम इन्वेस्टेड इज इक्वल्स टू, हमारे पास सम इन्वेस्टेड है
नंबर ऑफ़ शेयर्स फाइंड आउट करना है एंड हमारे पास मार्केट वैल्यू भी है। तो बहुत ही स्मार्ट तरीके से हम लोग इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके नंबर ऑफ़ शेयर्स पता करेंगे। सो सम इन्वेस्टेड है 20,000 बिकॉज श्रीमती देशपांडे ने 20,000 रुपये खर्च किए हैं, बराबर। उसके बाद नंबर ऑफ़ शेयर्स हम लोगों को पता नहीं है, मार्केट वैल्यू पता है जो कि है 25। सो 25 को अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आ जाता हूँ, सो यहाँ पर हो जाएगा 20,000 divided by 25। सो नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल्स टू 20,000 divided by 25, दैट इज 800। सो आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 इज श्रीमती देशपांडे विल गेट 800 शेयर्स। पेज नंबर 102, प्रैक्टिस सेट 4.3, क्वेश्चन नंबर 5। श्री शांतिलाल परचेस 150 शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू ₹100 फॉर मार्केट वैल्यू ₹120। सो कंपनी पेड द डिविडेंड एट द रेट 7%। फाइंड द रेट ऑफ रिटर्न ऑन हिज इन्वेस्टमेंट। सो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन देखते हैं स्टूडेंट्स। देखिए, फेस वैल्यू है 100, मार्केट वैल्यू है 120। सो डिविडेंड हम लोगों को मिला है 7%। श्री शांतिलाल को डिविडेंड मिलेगा 7% से। देयरफॉर डिविडेंड ऑन डिविडेंड रुपीज, डिविडेंड जो है ₹7 ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹120। मतलब इन्वेस्टमेंट उसने किया है ₹120 का, लेकिन जो डिविडेंड कैलकुलेट होगा वो हमेशा फेस वैल्यू पे कैलकुलेट होगा। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है, कभी भी डिविडेंड का जो परसेंटेज होता है उसका कैलकुलेशन फेस वैल्यू के साथ ही होगा, ठीक है। सो रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल्स टू डिविडेंड कितना है, डिविडेंड इनकम 7 रुपीज़ मिले हैं उसको, बिकॉज 100 रुपीज़ का 7% होता है 7, इसीलिए डिविडेंड इनकम जो है वो है 7। एंड सम इन्वेस्टेड, उसने सम कितना इन्वेस्ट किया, कितने पैसे उसके जेब से गए, मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू जो होता है वो हमेशा सम इन्वेस्टेड होता है। सो यहाँ पर एक शेयर का मार्केट वैल्यू है 120। सो 7 divided by 120 multiplied by 100, सो आंसर आ जाता है अप्रॉक्सीमेटली 5.83। सो वी कैन राइट द आंसर, द रेट ऑफ रिटर्न फॉर श्री शांतिलाल इज 5.83% ऑन हिज इन्वेस्टमेंट। पेज नंबर 103, क्वेश्चन नंबर 6, प्रैक्टिस सेट 4.3। इफ द फेस वैल्यू ऑफ बोथ द शेयर्स इज सेम, देन विच इन्वेस्टमेंट आउट ऑफ द फॉलोइंग इज मोर प्रॉफिटेबल। सो देखिए, फेस वैल्यू जो है वो सेम है ऐसा बोला है। सो कंपनी ए डिविडेंड दे रही है 16% का। डिविडेंड जो होता है हमेशा फेस वैल्यू पे कैलकुलेट होता है, ये आप लोगों को पता है स्टूडेंट्स। उसके बाद मार्केट वैल्यू है ₹80। एंड कंपनी बी जो है डिविडेंड दे रही है 20% का, जो मार्केट वैल्यू है उसकी ₹120। तो सॉल्यूशन देखते हैं, लेट द फेस वैल्यू ऑफ ईच टाइप ऑफ शेयर इज ₹100। हम लोग कंसिडर कर रहे हैं कि कंपनी ए का एक शेयर ₹100 का है और कंपनी बी का भी एक शेयर ₹100 का है। सो कंपनी ए डिविडेंड 16%, मार्केट वैल्यू इज इक्वल्स टू ₹80। देयरफॉर ऑन इन्वेस्टिंग ₹80 फॉर अ शेयर द डिविडेंड इज ₹16। मतलब जो डिविडेंड मिल रहा है ₹16 मिल रहा है, बिकॉज ₹16 का डिविडेंड यहाँ पर मिल रहा है। देखिए, डिविडेंड इज ₹60 एंड इन्वेस्टमेंट कितना किया, ₹80 का। सो लेट्स सी रेट ऑफ रिटर्न कितना रहेगा कंपनी ए के लिए। कंपनी ए का रेट ऑफ रिटर्न यहाँ पर देखते हैं स्टूडेंट्स। रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल्स टू डिविडेंड इनकम डिवाइडेड बाय सम इन्वेस्टेड मल्टीप्लाइड बाय 100। सो डिविडेंड मिल रहा है ₹16 बिकॉज रेट ऑफ रिटर्न 16% था, डिविडेंड का परसेंटेज 16 था, इसीलिए ₹16 का डिविडेंड मिला है। सम इन्वेस्टेड था 80 बिकॉज मार्केट वैल्यू ₹80 है। मल्टीप्लाइड बाय 100 इज इक्वल्स टू 20%। सो द रेट ऑफ रिटर्न फॉर कंपनी ए इज 20%। देन कंपनी बी इज इक्वल्स टू डिविडेंड, कंपनी बी का डिविडेंड है 20%, मार्केट वैल्यू है ₹120। ऑन इन्वेस्टिंग 120 फॉर अ शेयर द डिविडेंड इज ₹20। सो रेट ऑफ रिटर्न फॉर कंपनी बी हम लोग देखते हैं, डिविडेंड इनकम डिवाइडेड बाय सम इन्वेस्टेड मल्टीप्लाइड बाय 100। सो 20 divided by 120 multiplied by 100, सो द आंसर इज अप्रॉक्सीमेटली 16.67%। सो द रेट ऑफ रिटर्न फॉर कंपनी ए इज 20% एंड रेट ऑफ रिटर्न फॉर कंपनी बी इज 16.67%। देयरफॉर वी कैन से दैट फ्रॉम 1 एंड 2
द इन्वेस्टमेंट इन कंपनी ए इज मोर प्रॉफिटेबल, द इन्वेस्टमेंट इन कंपनी ए इज मोर प्रॉफिटेबल. सो दिस इज हाउ वी हैव कंप्लीटेड प्रैक्टिस सेट 4.3.